फिरोजाबाद के टूंडला के गांव चूल्हा बली में 36 घंटे से गायब 6 वर्षीय मासूम का शव आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद तालाब से बरामद हुआ। परिजन लगातार बच्ची की तलाश कर रहे थे। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जनपद फिरोजाबाद के टूंडला के गांव चूल्हा बली में 36 घंटे पूर्व लापता हुए 6 वर्षीय मासूम नमन का शव तालाब से बरामद हुआ है। बता दें कि अंदेशा जताया जा रहा था कि गायब हुआ मासूम तालाब में कहीं डूब न गया हो, इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार तालाब में गोताखोरों द्वारा तलाश की जा रही थी, जहां आखिर मासूम का शव बरामद हो ही गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पानी के अंदर बैठ गया था, टाइम हो गया तो थोड़ा थोड़ा उछला हुआ था, मेरे पैर पड़े में लेके मैंने लगभग कितने घंटे हुए इसे? कम से कम इसको हो गए तो मैं 40 घंटे हो गए। ठंडा पानी की जरिया से अंदर गया, ठंडा पानी गर्म पानी होता तो कभी सवेरे उठ जाता, ये पानी ठंडे के मारे इतने टाइम भाग गया। ये घटना ये थी, परसों हम मतगणना से शाम को लौट के आए, शाम को हमें सूचना मिली रेस्क्यू, हमने टर्नआउट कराया और यहाँ हमारी टीम आई। रात को 12 बजे तक तलाशते रहे, कांटा वांटा डाल के, और कोई हमारे पास उपलब्ध जो भी संसाधन थे उनके हिसाब से हम लगे रहे, फिर चले गए रात को। कल फिर आए तो बताया कि इसी में है, अंदेशा जताया जा रहा था क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं था किसी के सामने बच्चा गिरा हुआ, उनके कपड़ों से और चप्पल वप्पलों से ये अंदाजा लगा रहा था कि इस जगह पर डूबा है। तो कल से पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे, अंदर कोई जा नहीं पा रहा था क्योंकि कचरा था, गंदा पानी था, और आज कामयाबी मिल पाई है गोताखोरों के सहयोग से, पानी जब कम हो गया है तब इसे निकाल पाए। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।